हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सेफ। सेफ को जानने से पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिफाइन कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसे कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर दैट्स अलाउ यू टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट लेटर एंड रिज्यूम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत तरह का फ्यूचर होता है, जैसे आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, स्पेल चेकिंग कर सकते हैं और ग्रामर चेकिंग भी कर सकते हैं और हाई लेवल ऑफ एचटीएमएल भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफाइन। अब हम लोग बढ़ते हैं सेफ की तरफ। पहले मैं सेफ को डिफाइन कर देता हूँ। सेफ किसे कहते हैं? सेफ हमारा दो टाइप का होता है, एक 2D होता है, 3D होता है। 2D में आ जाता है रेक्टेंगल और सर्कल और 3D में आ जाता है स्फीयर एंड क्यूब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप है विंडो की +8 टैप करेंगे। उसके बाद हमारे डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें हम लोग एसक्यूटिव कोड डालेंगे विनवर्ड। जैसे हमारा एसक्यूटिव कोड डाला हुआ है विनवर्ड, उसके बाद हम लोग इंटर क्लिक करते ही हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुलते ही हम लोग इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह का गैलरी ओपन हो जाएगा, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट सेव हमें दिख जाते हैं। उनमें से आप जो आपको पसंद हो, जो आपकी नीड हो, उस तरह का सेव सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट पर आकर जिस पोजीशन में आपको सेव को ड्रा करना हो, तो सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉ करें। जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉ करेंगे, हमारे सामने फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। एडिट सेव, इसका यूज़ हम लोग ऑब्जेक्ट का सेव बदलने के लिए करते हैं, कुछ इस तरह। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, इसका यूज़ हम लोग डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट ऐड करने के लिए करते हैं, कुछ इस तरह। जिस जगह आपको टेक्स्ट ऐड करना हो, बस सिंपल से जाकर वहाँ क्लिक कर टैप करिए और टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। फिर अगर आप चाहें तो इसे यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी बड़ा कर सकते हैं। कुछ सेप स्टाइल ग्रुप, इसके यूज़ से हम लोग सेप कलर इफेक्ट एंड आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से चूज कर सकते हैं। सेप फिल, इसके यूज़ से हम लोग ऑब्जेक्ट में कलर ऐड कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं। कुछ हमें टेक्सचर का ऑप्शन मिल जाता है, इसे भी आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर आता है सेप आउटलाइन, इसका यूज़ से हम लोग सेप में बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर को थिक या थिन कर सकते हैं, कुछ इस तरह। सेप इफेक्ट, इसका यूज़ से हम लोग सेप में विजुअल इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे शेडो डाल सकते हैं, रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं, रिडिमिटेशन कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देखना, जिस तरह की आपकी नीड हो, उस तरह से आप इसे अपने इस्तेमाल में ले सकते। आइए अब मैं आपको सेफ की मदद से अपना आइकन का लोगो बनाकर दिखाता हूँ। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.